कि आप कोई जेल में हो उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है उस पर हमको नहीं कुछ। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा या कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइटर, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक ऐसा बयान जारी किया गया है जिस बयान को सुन करके तमाम विपक्षी दल जो है वो एक तरफ जो है हड़कंप में आ चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त अतीक अहमद के हमने जब से देखा है कि हत्याकांड में उनकी जान गई है उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि आपके सत्ताधारी ने जो है जिस तरीके से ये एनकाउंटर और हत्याकांड करवाया है ये बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार को लेकर के लग रहा था कि वो सीएम योगी का साथ जरूर देंगे, क्योंकि देखिए जंगल राज और गुंडा राज का आरोप जो है हर बार नीतीश कुमार पर लगता रहा है। ऐसे में माना यही जा रहा था कि इस बार मौका जरूर मिला है कि चले सीएम योगी से हाथ मिला करके योगी राज पर जो है गुंडा राज और माफिया राज को जो है खत्म करने की मुहिम में साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ बिल्कुल उल्टा ही। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो है यहाँ सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार, जरा सुनिए। सांसद है जिस तरह से तो बड़ा ही कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ फूट के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होके पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा या कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो वही है खराब। क्या लगता है एनकाउंटर हो गया सर उसके बाद? नहीं नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार पुलिस को तो इतना चाहिए। अब आप जानते हैं हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जाकर के जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसकी सुरक्षा के लिए, ये तो रहना ही चाहिए। तो बड़ा दुखद। तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? उनको सोचना चाहिए, बाकी सरकार को सोचना चाहिए किस तरह की घटना होती है, तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपने अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग ना सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है, अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को यह भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है? तो हर चीज तो बना हुआ है भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है इसका मतलब अपनी बात। एक बात हम जानते हैं, अब तो लोगों पर जो कब्जा कर लिया है तो उसको क्या कीजिएगा? कोई बात कोई ठीक से उल्टा उल्टा का बात है, लेकिन हम जो आज बोल दिए हैं ये हमारे सब अधिकारीगण चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आप से लेकर के सब लोग बैठ करके आपको पूरा जो आज हमने बता दिया है उसी के आधार पर सब जगह नोटिस जा रहा है, चला जाएगा एक एक जिले को चला जाएगा और शुरू से लेकर के अब तक का सबको जो हम लोग करेंगे उसके सर। जाति जनगणना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।
नीतीश कुमार का ये बयान जो है यहाँ पर सत्ता चारों तरफ जो है बवाल मचा रहा है, और इस बयान ने अपनी तरफ से ये तस्वीर भी बिल्कुल साफ कर दी है कि आने वाले चुनावी सरगर्मी के बीच में विपक्ष की तरफ से जो है वो हमला बोलते रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं चुपोंगे, चाहे मामला किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। बहरहाल अतीक अहमद को लेकर के जो नीतीश कुमार इस वक्त बड़प्पन दिखा रहे हैं उसे देख करके आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।